Hello friends, how are you? You are watching World's Easiest Techniques, जिसके माध्यम से आप इंग्लिश लैंग्वेज को घर बैठे सीख सकते हैं। आइए आज हम हमारे वीडियो के माध्यम से आज हम दिस डैट दीज एंड दोस का प्रयोग वाक्यों में किस तरह से करते हैं वो जानते हैं। आइए पहले हम ग्राफिक्स तैयार कर लेते हैं। दिस का हिंदी में पहले देखते हैं, दिस मीन्स यह, डेट मीन्स वह, दीज मीन्स ये और दोज मीन्स वो। दिस का बहुवचन दीज एंड डेट का बहुवचन दोज। यहां देखते हैं यहां जो चेयर है इस लड़के के पास है, पास मीन्स कम दूरी पर है। तो यहां पर हम ये लड़का यदि इसके बारे में बोलता है कि यह चेयर है तो यहां पर इस तरह से बोलेगा दिस इज चेयर, यह चेयर है। अब इस पॉइंट से चेयर यहां पर रख देते हैं तो अब ये चेयर इस लड़के से काफी दूर है। दूर की चीजों के लिए हम यूज करते हैं डेट, वह। तो हम लिखते हैं डेट इज चेयर, वह चेयर थी, तो हम यूज करते हैं डेट वॉज चेयर। अब हमने देखा यहां पर दिस एंड डेट, उसी तरह से हम दीज, ये चेयर पास में है, अब ये लड़का इन चेयर को बताएगा तो बोलता है दीज, ये चेयर्स हैं। तो यहां पे वाक्य लिखते हैं दीज आर चेयर्स, ये चेयर्स हैं, दीज आर चेयर्स। अब हम वो चेयर्स हैं तो इसके लिए हम वाक्य तैयार करते हैं। यहां लड़का है और चेयर यहां पर इतनी दूरी पर है, अब हम यूज करते हैं वो चेयर्स हैं तो हम यूज करते हैं दोस आर चेयर्स। हमने देखा पास्ट की वस्तु के लिए हम दिस का प्रयोग कर रहे हैं, एक वस्तु है तो, और एक यदि दूर है वस्तु उसके लिए हम कर रहे हैं डैट। अब हम वाक्यों में किस तरह से प्रयोग करते हैं, जैसे सपोज एक पास में मेरे एक लड़का है तो मैं बोलूंगा दिस इज बॉय, लेकिन यही लड़का दूर होगा तो मैं बोलूंगा डेट इज बॉय। यदि दो पास में खड़े हैं तो इनको बोलूंगा मैं दीज आर बॉयज, लेकिन अगर दूर खड़े होंगे तो मैं बोलूंगा दोज आर बॉयज, वो लड़के हैं। सपोज यहां पर और दूसरी चीज ले लेते हैं, बुक मेरे पास पड़ी हुई है, मैं यूज करता हूं यह किताब है तो मैं बोलूंगा दिस इज बुक, यह बुक है, लेकिन ये बुक दूरी पर है तो मैं बोलूंगा डेट इज बुक, वहां किताब है। सपोज यहां पर बहुत सारी किताबें मेरे पास पड़ी हुई हैं तो मैं बोलूंगा यहां पर दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं, लेकिन यदि दूर होंगी तो मैं बोलूंगा दोज आर बुक्स, वो किताबें हैं। मैं आपको ये भी नियम बता देता हूं कि पहली बार में यदि आप संज्ञा को बताते हैं तो दिस का प्रयोग हम करते हैं, लेकिन अगर दोबारा यदि दिस या डेट का प्रयोग करते हैं, लेकिन दोबारा यदि वही संज्ञा को हम दोहराते हैं तो हम दिस के स्थान पर
दिस या डेट के स्थान पर ही शी इट का प्रयोग करते हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूं, दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है, एंड ही इज वेरी इंटेलिजेंट, और यह बहुत इंटेलिजेंट है। उसी तरह से मैं बोलता हूं, डेट इज अ गर्ल, वह एक गर्ल है, शी इज सो स्मार्ट, वह बहुत ज्यादा स्मार्ट है। तो यहां हमने देखा कि पहली बार में दिस डैट और दूसरी बार में हम यूज करते हैं तो लड़का है तो ही और लड़की है तो शी। कोई सी वस्तु, जैसे हम बुक के बारे में बोलते हैं कि दिस इज अ बुक, यह एक किताब है और यह इंटरेस्टिंग है, तो हम यूज करेंगे इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, यह बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो हमने इट, हम दोबारा दिस का प्रयोग नहीं करते, हम इस तरह से प्रयोग नहीं कर सकते कि दिस इज अ बुक, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, इस तरह का वाक्य गलत होता है। उसी तरह से हम दीस और दोस, इनके साथ हम दे का प्रयोग करते हैं, ये या वो शब्द के लिए, ये या वो, तो हम यूज करते हैं दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं और ये इंटरेस्टिंग है, तो हम यूज करते हैं दे आर इंटरेस्टिंग, दे आर इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्टिंग है। उसी तरह से हम दूर की वस्तु के लिए बोलते हैं कि दोज आर चेयर्स, वो चेयर्स हैं और वो कंफर्टेबल हैं, तो हम यूज करते हैं दे आर कंफर्टेबल। तो हमने पहली बार में दीस दीस और दोस का प्रयोग किया, वही संज्ञा के लिए यदि हम यूज करते हैं तो हम दे का प्रयोग हम वाक्यों में करते हैं। आज आपने हमारे वीडियोस के माध्यम से जान चुके हैं कि अगर एक वस्तु पास में है तो दिस, और ज्यादा और वही वस्तु दूर में है तो डैट, दिस मीन्स यह और डैट मीन्स वह। यदि एक या एक, एक से अधिक वस्तु है तो हम प्रयोग करते हैं कि पास में है तो दिस, दिस मीन्स ये, और दूर है तो दोस का प्रयोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह का आप वीडियोस देखते रहें, आप घर बैठे बहुत ही इफेक्टिव इंग्लिश आप सीख सकते हैं, और नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।